Oh my God! तो गाइज अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो क्योंकि 100K के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए हैं। इसमें आपका भी फायदा होने वाला है। 100K के बाद अच्छा मुझे सपोर्ट मिला तो मैं गिव अवे वगैरह स्टार्ट कर दूंगा जिसमें एयरफोन मोबाइल और प्रीमियम वर्जन के एप्लीकेशंस होंगे जैसे काइन मास्टर पिक्सार्ट वगैरह गिव अवे कर दूंगा बाय करके आपको। तो सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करो और सब्सक्राइब कर लो और यहाँ पर एक बेल का आइकॉन आता है उसे भी क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर में आल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसे आप सबसे पहले देख सको। तो प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ। सबसे पहले तो मटेरियल डाउनलोड कैसे करना है इसे बता देता हूँ। अगर इस वीडियो को 2-3 दिन बाद देख रहे हो तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, उसमें मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर एक गूगल क्रोम होता है, मोबाइल में गूगल क्रोम ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पर मैं स्टार्टिंग से बता देता हूँ, न्यू पेज ओपन करके तो यहाँ बॉक्स होता है। इस सर्च बॉक्स में thertworld.com भी सर्च कर सकते हो। मैं शुरू से बताने के लिए google.com सर्च कर लेता हूँ जिससे मैं गूगल के पेज में चले जाऊँगा इस टाइप से। अब यहाँ पर भी सर्च बॉक्स आता है दोस्तों, तो बहुत कोई गूगल के पेज में जाके सर्च करते हैं इसलिए मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। तो गूगल के पेज में जाने के बाद यहाँ पर सर्च बॉक्स है, इस सर्च बॉक्स में thertworld.com सर्च करना है। तो यहाँ पर शो भी हो रहा होगा स्पेलिंग के साथ, तो इस टाइप से सर्च कीजिएगा thertworld.com तो सबसे ऊपर में आ जाएगा ये www.thertworld.com, छोटा में लिखा है और बड़ा में लिखा है thertworld.com, तो इसे क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद वेट कर लेते हैं इसके ओपन होने का। तो गाइज यहाँ पर कुछ इस टाइप का ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे ऊपर में पजल इफेक्ट व्हाट्सअप स्टेटस का ये आ जाएगा। अगर ये वाला सबसे ऊपर में नहीं आ रहा है तो नीचे में जाके देखना, नीचे में आ जाएगा क्योंकि मेरे पुराने पोस्ट जो है नीचे में आ जाते हैं, इसलिए अब जो है न्यू है इसलिए सबसे ऊपर में आ रहा है। अगर सबसे ऊपर में नहीं आ रहा होगा तो यहाँ पर एक 3 डॉट है उसे क्लिक करना। 3 डॉट को क्लिक करने के बाद काइन मास्टर को क्लिक करना, तो काइन मास्टर को क्लिक करने के बाद काइन मास्टर में आ जाएगा। इसे बार बार क्लिक कर रहा हूँ फिर भी ये जो है ओपन नहीं हो रहा है। ऐसा प्रॉब्लम आपके साथ भी हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट करना और मैं इसे फिक्स करने की कोशिश करूँगा। तो मैं सबसे पहले इसे जो है रिफ्रेश कर लेता हूँ, तब जो है इसे क्लिक करूँगा तो वो ओपन होगा। तो मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद गाइज फिर से मैं इस 3 डॉट को क्लिक करके जो है काइन मास्टर में चले जाता हूँ, तो ये जो है ओपन होना स्टार्ट हो गया। तो देखा रिफ्रेश करने के बाद जो है ओपन हो जाता है। ऐसा प्रॉब्लम आपके साथ हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट करना। तो गाइज यहाँ पर जो है पजल इफेक्ट का जो है सबसे ऊपर में आ चुका है, इसे ओपन करना है। तो ओपन करने के बाद ऐड आ जाता है, तो अगर ऐड आ गया है तो इसे कट कर देना है या तो फिर ओपन कर देना, मैं कट कर देना हूँ। तो है इस पेज में सबसे नीचे में जाना है। अगर आपका इंटरनेट स्लो है तो थोड़ा सा वेट कर लेना ताकि इमेज वगैरह सही से शो होने लगे, ताकि जो बटन वगैरह सही से शो हो जाए। तो यहाँ पर सबसे नीचे में आने के बाद बैकग्राउंड डाउनलोड नाउ लिखा है, इस यहाँ पर मटेरियल डाउनलोड नाउ भी लिखा हो सकता है दोस्तों। तो यहाँ पर अभी लिखा है बैकग्राउंड डाउनलोड नाउ, तो इसे क्लिक कर देना। मैं जो है इसे क्लिक नहीं करता हूँ क्योंकि मैं जो है डाउनलोड कर चुका हूँ। ये मैं कहाँ पहुँच गया था, ऊपर पहुँच गया था। तो नीचे में देखना बैकग्राउंड डाउनलोड नाउ, तो इसे क्लिक कर देना। मैं जो है नहीं करूँगा क्योंकि डाउनलोड कर चुका हूँ। तो गाइज अब जो है काइन मास्टर में एडिट करते हैं, तो बहुत ही सिंपल है काइन मास्टर में एडिट करना। तो गाइज इसे ओपन कर लेते हैं काइन मास्टर को। तो गाइज यहाँ से जो है मेन वीडियो स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से कोई भी पार्ट स्किप मत करना क्योंकि जो है समझ में नहीं आएगा स्किप कर दोगे तो। अगर आप स्किप करके जो है वीडियो देख रहे हो फिर बोलोगे फेक वीडियो, इस टाइप का जो है कुछ लोग जो है डीमोटिवेट करने के लिए बोलते रहते हैं। तो सबसे पहले हम काइन मास्टर ओपन करके जो है इस टाइप से आ जाएगा। जो काइन मास्टर ओपन करने के बाद गाइज यहाँ पर एक प्लस आइकॉन आ जाता है। इस प्लस के आइकॉन को क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है फुल स्क्रीन का ऑप्शन आएगा। अगर आप काइन मास्टर का न्यू वर्जन यूज कर रहे हैं तो बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे उसमें, तो उसमें 916 का कर लेना। 916 का आता होगा, बहुत सारा आता होगा तो 916 का भी आता होगा, देख लेना उसमें होगा, या फुल स्क्रीन देख लेना इस टाइप का, तो इस टाइप का दिख रहा होगा उसे क्लिक कर देना।
क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ओपन करने के लिए। गाइज यहाँ पर ओपन हो चुका है ये, तो यहाँ पर मीडिया में जाना है सबसे ऊपर में। मीडिया में क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पर जो है अपना फ़ोटो सिलेक्ट कर लेना है, तो अपना फ़ोटो सिलेक्ट कर लो या तो फिर कोई भी मॉडल का फ़ोटो भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं जो है NSB के पिक्चर्स को ओपन कर लेता हूँ, तो सिंपली इस टाइप से ओपन कर लूँगा। और जो है इसे इसके सेकेंड को बढ़ा देता हूँ इस टाइप से क्लिक करके, थोड़ा सा घटा दूँगा इस टाइप से, तो मैं इतना ही 12 सेकंड तक रखूँगा, ज़्यादा तो है नहीं वीडियो में। तो यहाँ पर जो है फुल स्क्रीन नहीं हो रहा है, इधर इधर ऊपर नीचे जो है ब्लैक ब्लैक आ रहा है। उसे ठीक करने के लिए सिंपली इसे क्लिक करना फोटो को क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है आ रहा है एक साइज का ऑप्शन, इसे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना ताकि दोनों जो है हो जाए सेट। तो अब हो गया सेट, तो इसे सिंपली जूम करके जो है ऐसे फुल स्क्रीन कर लेना। अब जो है यहाँ पर राइट का आइकॉन आ रहा है, इसे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पर जो है आपको एक ओवरलेज ऐड करना है, यानी कि इफेक्ट वाला। तो लेयर वाले ऑप्शन में जाना, लेयर वाले ऑप्शन में जाने के बाद मीडिया में जाना। मीडिया में जाने के बाद जोन सब फोल्डर में आपके में होगा उसे ओपन कर लेना। मेरे में जो है डाउनलोड में है, डाउनलोड ओपन डाउनलोड में कर लेता हूँ क्लिक। और यहाँ पर सभी वीडियो और फोटो जो है शो होने लगा। तो यहाँ पर मैं जो है सिर्फ वीडियो वाले करूँगा, तो यहाँ पर थ्री डॉट है, इसे क्लिक करने के बाद इसे वीडियो वाले ऑप्शन को कर देना, तो सिर्फ वीडियो शो होगा। तो जो है इसमें खोज लेता हूँ मैं ये वाला, तो ये वाला है दोस्तों। तो इसे सिंपली ऐसे बड़ा करके जो है फुल स्क्रीन में कर लेना। अब फुल स्क्रीन करने के बाद साइड में जाना, साइड में जो है यहाँ पर ब्लेंडिंग का ऑप्शन होगा। ब्लेंडिंग में क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्क्रीन कर देना। स्क्रीन करने के बाद यहाँ पर राइट को क्लिक कर देना। यहाँ पर फुल जो है नहीं हो रहा है, सिर्फ 9 सेकंड का है। इसे डुप्लीकेट करने के लिए, अपने पूरे वीडियो में यूज करने के लिए सिंपली ऐसे क्लिक करना और साइड में जाना। यहाँ पर थ्री डॉट है, इस थ्री डॉट को क्लिक करने के बाद डुप्लीकेट कर लेना। डुप्लीकेट करने के बाद गाइज यहाँ पर एक वाले को ऐसे क्लिक करके जो है आगे बढ़ा लेना, तो यह फुल पूरा वीडियो में आ जाएगा। अब गाइज और एक वीडियो ऐड करना है जो है इफेक्ट का, वो भी। तो लेयर में जाना, लेयर में जाने के बाद मीडिया में जाना। मीडिया में जाने के बाद जोन सब फोल्डर में आपके में होगा ऐसे चले जाना। और यहाँ पर अगर फोटो और वीडियो मिक्स हो गया है तो सिर्फ वीडियो को देखने के लिए यहाँ पर थ्री डॉट को क्लिक करना और जो है वीडियो को क्लिक कर देना। अब यहाँ पर नीचे में चले जाता हूँ ये वाला इफेक्ट को। इस इफेक्ट का डाउनलोड लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन 2-3 दिन बाद। अभी आपको डाउनलोड कहाँ से करना है वो मैं बता दिया था वीडियो की स्टार्टिंग में, तो इसे सिंपली ऐसे कर लेना। और जो है यहाँ पर स्क्रीन वाला ऑप्शन है, इसे क्लिक करने के बाद फुल स्क्रीन कर देना ताकि ये फुल स्क्रीन हो सके। अब जो है इसे ऐसे हिला के जो है पूरा इधर उधर कर सकते हो, तो इसे ऐसे कर देता हूँ मैं। और यहाँ पर राइट को क्लिक कर दूंगा। राइट को क्लिक करने के बाद फिर से ये वाले ग्लिच इफेक्ट को जो है क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद नीचे में जाना है, साइड में जाके तो नीचे में ये ब्लेंडिंग का ऑप्शन होगा। ब्लेंडिंग में जाके फिर से जो है स्क्रीन कर देना। स्क्रीन करने के बाद गाइज अब जो है एक पज़ल का इफेक्ट, जो है पज़ल इफेक्ट का जो है वीडियो ऐड करना है। इसका डाउनलोड लिंक भी मैं दे दूंगा, लेकिन 2-3 दिन बाद। अगर आपको अभी डाउनलोड करना है तो जो है डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा कहाँ से डाउनलोड करना है, ये मैं बता चुका हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में। तो वीडियो का स्टार्टिंग में पार्ट वाला, मेन पार्ट वाला नहीं देखे हो तो देख लेना। तो अब गाइज आपको ऐड करना है पजल इफेक्ट, तो सिंपली लेयर में जाना। लेयर में जाने के बाद मीडिया में जाना। मीडिया में जाने के बाद जोन सब फोल्डर में आपके में होगा उसे ओपन कर देना। तो मेरा फोल्डर में नहीं मिल रहा है, तो ये वाला फोल्डर में है, तो ये वाला वीडियो जो है ऐड कर लेना। तो सिंपली ऐसे बड़ा कर सकते हो। बड़ा करने के बाद यहाँ पर जो है राइट का आइकॉन आता है, उसे क्लिक कर देना। अब गाइस जो है यहाँ ग्रीन स्क्रीन आ रहा है, इस ग्रीन स्क्रीन को हटाने के लिए सिंपली इस पजल वाले वीडियो को क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जाना, क्रोमा की का ऑप्शन होगा। क्रोमा की नहीं होगा तो ग्रीन स्क्रीन वाला ऑप्शन होगा आपके में, तो उसे क्लिक कर लेना और यहाँ पर इनेबल कर देना। इनेबल करने के बाद यह जो है ग्रीन स्क्रीन हट जाएगा और फोटो शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ राइट को क्लिक कर देना। राइट को क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर इसी में एक म्यूजिक है, ये पजल वाले वीडियो में एक म्यूजिक है, उसे म्यूट करने के लिए इस म्यूजिक वाले आइकॉन को जो है सिंपली ऐसे क्लिक करना और ऐसे क्लिक कर देना, तो ये म्यूट हो जाएगा। अगर आपको म्यूट नहीं करना है, उसी म्यूजिक को यूज करना है, तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है।
अब आपको करना क्या है, अब जो है आपको एक म्यूजिक ऐड करना है। तो म्यूजिक ऐड ओ माय गॉड शुरू में देखा होगा, तो उसी म्यूजिक को हम यूज करेंगे। तो उसे म्यूजिक में जाना, इस ऑडियो में जाना। ऑडियो में जाने के बाद मैं जो है एडिट किया था, तो फोल्डर में जाके ट्रिम, हाँ ट्रिम में होगा। तो यहाँ पर ऑडियो ओ माय गॉड ये है, ये हो गया। तो इसे प्ले करके देख लेता हूँ मैं। गाइस ये जो है परफेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा आगे का जो है मैं वीडियो ऑडियो को जो है थोड़ा सा आगे से कट करने के लिए सिंपली ऐसे करूँगा। और जो है यहाँ पर नीचे जाऊँगा, ट्रिम का ऑप्शन है, इसे क्लिक करके जो है ये वाले ऑप्शन को क्लिक कर दूंगा, तो ये आगे वाला पार्ट जो है रिमूव हो जाएगा। तो सिंपली ऐसे क्लिक करके ऐसे स्टार्टिंग से कर दूंगा। अब जो है प्ले करूँगा तो परफेक्टली होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर बार बार ऑडियो प्ले नहीं करूँगा, क्योंकि जो है कॉपीराइट भी आ जाता है, तो फालतू में पूरा ऑडियो हट जाएगा, तो मज़ा नहीं आएगा आपको। तो गाइस इस टाइप से कर सकते हो एडिट। अब इसे सेव करने के लिए यहाँ पर शेयर का आइकॉन है, शेयर का आइकॉन को क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक्सपोर्ट को क्लिक कर देना, तो ये एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट करना, समझ नहीं आ रहा है तो मैं कुछ डिफरेंट करूँगा, डिफरेंट टाइप का बोलूँगा, तो आपको बढ़िया से समझाऊँगा। तो समझ में नहीं आ